अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वेटेड मीन। इसको वेटेड मीन भी कहते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और वेटेड एवरेज भी कहा जाता है। जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और फिर मीन भी कहते हैं और फिर एवरेज भी कहते हैं, इसी तरह वेटेड अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, वेटेड मीन भी कहते हैं और वेटेड एवरेज भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि किस तरह सॉल्व होगी। द वेटेड मीन इज़ एन एवरेज। वेटेड मीन भी तो एक एवरेज ही है, जिस तरह हम लोगों ने एवरेज फाइंड किया था उसी तरह हम लोग वेटेड मीन को भी उसी तरह ही फाइंड करेंगे। इसकी डेफिनेशन, द वेटेड मीन इज़ एन एवरेज डैट टेक इन टू अकाउंट द इम्पोर्टेंस और वेट ऑफ ईच वैल्यू टू द ओवरऑल टोटल। यानी जो सा इसका मजमू तौर पर जो सा किसी हर वैल्यू की जो सा वेट और इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। इफ़ एक्स वन एक्स टू एक्स के हैव वेट्स डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू के, देन द वेटेड मीन। वेटेड मीन में दो चीज़ें चाहिए, एक्स चाहिए और डब्ल्यू चाहिए। तो और इसको वेटेड मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार डब्ल्यू को, जबकि हम लोगों ने एवरेज में देखा है पिछले वीडियोस में कि हम लोगों ने एवरेज को डिनोट किया था एक्स बार से, और ये जो सा है वेटेड एवरेज है तो इसलिए हम लोगों ने एक्स बार डब्ल्यू से डिनोट किया है। इज़ डिफाइंड एज, इसका फार्मूला होता है एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन, यानी सम डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट्स। W का मतलब है वेट्स, ठीक है। अब वेटेड एवरेज इज जनरली एम्प्लॉयड इन द कैलकुलेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर ब्रिथ एंड डेथ रेट एट्सेट्रा, ठीक है। वेटेड एवरेज जो है कैलकुलेट किया जाता है वो इंडेक्स नंबर भी होता है, ब्रिथ भी होता है और डेथ रेट्स भी होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वेटेड मीन, यानी लिखा भी आ सकता है कि कैलकुलेट दी वेटेड एवरेज भी लिखा आ सकता है, वेटेड मीन भी लिखा आ सकता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन भी, ठीक है। और इनका फार्मूला एक है मगर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, बस मीन की जगह अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, एवरेज आएगा या फिर मीन ही आ जाएगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा, अब हम लोगों को ये डाटा गिवन है, ठीक है। उसमें आइटम्स गिवन है, रुपीज़ की बन है और वेट की बन है। तो हम लोगों ने वेटेड मीन चाहिए। वेटेड मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई एक्स आई, यानी सम किसका है, एक्स आई और डब्ल्यू आई का। ये नहीं समझना कि सिर्फ सम किसके साथ लगा हुआ है, डब्ल्यू आई के साथ लगा हुआ है, ये नहीं समझना। उसके साथ एक और चीज़ भी है, एक्स आई भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने डब्ल्यू आई और एक्स आई का मल्टीपल है उसका सम लेना है, ठीक है। वेट का तो सम है क्योंकि हमें वेट गिवन है तो हमें तो वेट का चाहिए। हम लोगों को अब इसका प्रोडक्ट भी तो चाहिए ना, तो प्रोडक्ट के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे अलहदा से और फिर उसका सम जो होगा वो वेट से डिवाइड कर देंगे। आइटम है फूड है, रेंट है, क्लॉथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, अदर आइटम्स हैं। हर एक की प्राइस भी गिवन है और वेट भी। जो वेट वाला कॉलम होगा उसको हम लोग डब्ल्यू से करेंगे, डब्ल्यू से। और जो रुपीज़ है वो क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसका सलूशन देखते हैं। आइटम्स लिख दिए, रुपीज़ लिख दिए, वेट लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए था फार्मूला में, एक्स आई डब्ल्यू आई का सम, ठीक है। एक्स आई डब्ल्यू आई का कॉलम बनाया, वो किस तरह बना, जो वेट है वो तो हमारे पास डब्ल्यू है और जो रुपीज़ है वो क्या है हमारे पास, एक्स, ठीक है। 290 को मल्टीप्लाई किया 7.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आए ये। फिर आ गया 54 को, हर वैल्यू को हर उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना और उसका उसके सामने ही उसका आंसर लिखना, ठीक है। 98 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, 75 को मल्टीप्लाई किया 1.0 के, 75 को मल्टीप्लाई 0.5 से, हमारे पास एक ये कॉलम आ गया। इसका जो सा सम है वो हम लोगों ने ऊपर की साइड पर लिखना है और डिवाइड कौन सा होता है, वेट का सम से डिवाइड किया है, सम ऑफ वेट।
यानी वेट का जो सा सम है वो कौन सा है, ये है, उसको हम लोगों ने नीचे लिखा और इन दोनों को डिवाइड करके हम लोगों का पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, वेटेड मीन की है, वेटेड एवरेज भी कहा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वेटेड एवरेज भी कहते हैं, वेटेड मीन भी कह सकते हैं। अब फाइंड द वेटेड एवरेज यूजिंग द क्वांटिटीज इन कॉलम थ्री एज वेट। अब हम लोगों को तीन कॉलम दिए हुए हैं, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, वेटेड एवरेज फाइंड करना है। प्राइस गुड्स दिए हुए हैं, प्राइस पर मीटर दिए हुए हैं और क्वांटिटी दिए हुए हैं। प्राइस गुड्स में अनब्लीच्ड है, ब्लीच्ड है, प्रिंटेड फ्लैग्स हैं, अदर स्टोर्स हैं, डाइड इन पीस, ठीक है। हम लोगों को प्राइस भी गिवन है और क्वांटिटी। अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ हम लोगों को वेटेड एवरेज चाहिए, तो हमें वेटेड एवरेज में एक W का कॉलम चाहिए और एक X का कॉलम चाहिए, ठीक है। अब इधर तो प्राइस लिखा हुआ है और दूसरी में क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी। अब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा वेट का कॉलम है, तो मगर ऊपर हिंट दिया हुआ है उन्होंने, यूजिंग द क्वांटिटी इन कॉलम थ्री, जो कॉलम थ्री है, ये कॉलम वन होता है, ये कॉलम टू और ये कॉलम थ्री, क्वांटिटी का जो कॉलम थ्री है वो क्या है, एज वेट। तो इन्होंने हिंट बता दिया कि जो सा क्वांटिटी का है वो क्या है, हमारे पास वेट है। तो ये W का कॉलम हो गया और ये क्या हो गया, X का। इस फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे, हम एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें हम लोगों ने W और X का मल्टीपल लिखना है, उसका जो सा सम आएगा और W का जो सा सम होगा उसके साथ उसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह ये सॉल्व किया है, ये क्या है, X का कॉलम और ये क्या है, W का कॉलम, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर इन दोनों का मल्टीपल लिखा है, लिखते गए 8.37 को मल्टीप्लाई करें 286 पर, 9.0 को 255 पर, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम हम लोगों ने ये कर दिया। फिर डिवाइड किस तरह करना था, सम ऑफ वेट, तो इसमें वेट का कौन सा कॉलम था, ये था ना क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी वाला क्या कहा हुआ था, जो कॉलम थ्री है वो क्या है, वेट है। तो हम लोगों को इसका जो सा सम होगा उसके साथ इसको इसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो हम लोगों के पास एक्स बार आ जाएगा, वेट आ जाएगा, यानी वेटेड एवरेज हमारे पास आ जाएगा। आई होप समझ आ गई होगी आप लोगों को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।